हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसीई गेट 2017। आई एम सत्य विजय तिवारी। तो चलिए, रोबोट की सीरीज में अपन ने पैरामीटर का पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया था। रोबोट के पिछले दो वीडियोस में जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एच पैरामीटर, जी पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर और स्मॉल एबीसीडी पैरामीटर, कैसे इनके रिलेशन होते हैं, कैसे इनके इक्विवेलेंट सर्किट होते हैं, आपने वो वीडियो शायद देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर इसमें टू पोर्ट नेटवर्क में आगे बढ़िए। ठीक है, तो चलिए इस सीरीज में अपन आगे बढ़ते हैं। एक बेसिक सर्किट देखते हैं अपन। अनसिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होता है और सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होता है। अनसिमेट्रिकल नेटवर्क आपका क्या होगा, जब जेड वन और जेड टू और जेड थ्री, ये आपका एक टी नेटवर्क होगा, ये टी के शेप में हो रहा है, टी का शेप बना रहा है ये, या इसको क्या बोलते हैं, स्टार नेटवर्क भी बोलते हैं, ये स्टार जैसा भी लग रहा है आपको, या टी नेटवर्क बोलते हैं इसको। तो इसमें ये जेड थ्री कॉमन हो जाएगा पैरामीटर आपका, और जेड वन और जेड टू, अगर जेड वन और जेड टू की वैल्यू डिफरेंट है तो ये हो जाएगा आपका अनसिमेट्रिकल नेटवर्क। ठीक है, और ये हो जाता है आपका सिमेट्रिकल नेटवर्क। मान के चलिए ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी सेम है और जेड टू तो कॉमन है, तो इसको बोलते हैं आप सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। ठीक है, ये देखिए ये सर्किट होता है आपका, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा, डेल्टा बोलते हैं, या क्योंकि ये डेल्टा जैसा दिख रहा है, और इसको भी क्या बोलते हैं, पाई, पाई नेटवर्क, और ये टी नेटवर्क, ये पाई नेटवर्क। ठीक है, ये अनसिमेट्रिकल नेटवर्क कब होगा, जब वाई वन एंड वाई थ्री की वैल्यू डिफरेंट होगी, वाई टू तो कॉमन है इसमें, और सिमेट्रिकल कब होगा, जब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो जाएगी और वाई टू तो इसमें कॉमन है। तो ये हुए कुछ सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल नेटवर्क। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। अभी मैं आपको ये लेटेस्ट नेटवर्क बताऊंगा, ये कुछ स्टैंडर्ड सर्किट है, ये स्टैंडर्ड सर्किट है, ये किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जेड ए की वैल्यू कुछ दे दी, जेड बी की दे दी, जेड सी की और जेड डी की दे दी, और मैं से पूछ लेंगे ये सिमेट्रिकल लेटेस्ट नेटवर्क है या नहीं है, तो शायद से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो आपको ये स्टैंडर्ड सर्किट को याद रखने हैं, कब सिमेट्रिकल होगा, कब सिमेट्रिकल नहीं होगा। तो ये एक स्टैंडर्ड सर्किट है लेटेस्ट नेटवर्क का। लेटेस्ट नेटवर्क में ये पैरामीटर आपका जेड ए है और नीचे वाला जेड डी है, ये वाला हो जाएगा जेड बी और ये हो जाएगा जेड सी। तब लेटेस्ट नेटवर्क, सिमेट्रिकल लेटेस्ट नेटवर्क कब होगा, जब आपका जेड ए और जेड डी की वैल्यू बराबर हो जाएगी, तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, तब आपका सिमेट्रिकल लेटेस्ट नेटवर्क हो जाएगा। और जब जेड बी इक्वल्स टू जेड सी हो, ये आपका इसके बराबर, ये आपका इसके बराबर, तब क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल कब होगा, जब जेड ए इज नॉट इक्वल्स टू जेड डी और जेड बी इज नॉट इक्वल्स टू जेड डी, तब हो जाएगा आपका अनसिमेट्रिकल लेटेस्ट नेटवर्क। ये आपको याद रखने हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, सिमेट्रिकल कब होगा और रेसिप्रोकल कब होगा। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड इससे क्वेश्चंस बनते हैं, एक एक नंबर क्वेश्चंस में सीधे सीधे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, और कई बार हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये आपको चार चीजें याद रखनी है, सिमेट्रिकल कब होगा और रेसिप्रोकल कब होगा। सिमेट्रिकल कब होगा, जेड जेड पैरामीटर में सिमेट्रिकल नेटवर्क आपका कब होगा, जब जेड वन वन इज इक्वल्स टू जेड टू टू, वो सिमेट्रिकल होगा आपका। और जब y11 इक्वल्स टू y22 हो जाएगा y पैरामीटर में, तब सिमेट्रिकल हो जाएगा। जब h पैरामीटर की बात करें, तब h11 h2 into h22 minus h12 into h21 इक्वल्स टू 1 के हो जाए, तो ये h पैरामीटर का एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं, h11 यहाँ का होगा, h12 यहाँ पर होगा, h21 यहाँ पर होगा, h22 यहाँ पर होगा, ये एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रहते हैं, इक्वल्स टू वन। तो एच वन वन इंटू एच टू टू माइनस एच वन टू इंटू एच टू वन इक्वल्स टू वन हो जाएगा, ये होगा आपका एच पैरामीटर में ऐसे। और सिमेट्रिकल कब होगा, ए बी सी डी पैरामीटर में, जब ए इक्वल्स टू डी हो जाए, तो ये तो हुई सिचुएशन आपकी क्या की सिमेट्रिकल की। अब इसमें ये सर्किट रेसिप्रोकल कब होगा, जेड पैरामीटर में, जब जेड वन टू आपका जेड टू वन के इक्वल हो जाएगा, और y पैरामीटर में, जब y12 y21 के इक्वल हो जाएगा। और रेसिप्रोकल h में कब होगा, जब h12 इज इक्वल्स टू माइनस h21, और abcd पैरामीटर में a into b minus bc इज इक्वल्स टू 1। इसमें abcd की भी एक मैट्रिक्स होती है ऐसे a b c d, तो a into b minus bc इक्वल्स टू 1। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चंस इन पे आते हैं, आप इन कंडीशन को याद कर लीजिए, इनसे हमेशा आपको क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। अब मैं इनकी कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दूं, इनके क्वेश्चंस में भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा आगे। तो इसमें देखते हैं, जैसे ये आपको कोई सर्किट गिवन है, यहाँ पर कोई इम्पीडेंस है जेड ए,
यहाँ पर जेड भी कोई इम्पीडेंस है, यहाँ पर जेड सी कोई इम्पीडेंस है, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा है, यहाँ पर भी एक वोल्टेज सोर्स लगा है। तो इसमें बोला आपको कि जेड पैरामीटर की वैल्यू फाइंड करना है, जेड पैरामीटर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जेड पैरामीटर की आपको इक्वेशन तुरंत याद आ जानी चाहिए। जेड पैरामीटर में कैसे इक्वेशन रखी, वी वन एंड वी टू का रिलेशन रहता है इन टर्म ऑफ आई वन एंड आई टू का। तो जो वी वन और वी टू का रिलेशन होगा आई वन और आई टू के फॉर्म में, तो इसमें आप केवीएल अप्लाई करेंगे तब तो वी वन और वी टू का रिलेशन होगा। तो इनपुट में आपने केवीएल अप्लाई किया, तो जब आपने इसमें केवीएल अप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, वी वन इक्वल्स टू जेड ए प्लस जेड बी इंटू आई वन, क्योंकि जेड ए और जेड बी इंटू आई वन प्लस जेड बी इंटू आई टू, जेड बी में आई टू भी फ्लो हो रहा है। तो वी वन आपका क्या हो जाएगा, ये जो पैरामीटर हो जेड ए प्लस जेड बी, ये टोटल हो जाएगा आपका जेड वन वन इंटू आई वन, और जेड बी हो जाएगा आपका जेड वन टू इंटू आई टू। ये हुई आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जेड पैरामीटर की, क्योंकि आपने इसमें केवीएल लगा के लगाई। तो इससे जब आपने कंपेयर किया इसको, तो जेड वन वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड ए प्लस जेड बी, और जेड वन टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जेड टू वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड बी। सेम जैसे मैं ये इनपुट पर लगाया वैसे ये आउटपुट पे भी लगाया हमने, तो इसको भी कंपेयर किया तो ये रिजल्ट ये लिखे, जेड वन वन हो जाएगा जेड ए प्लस जेड बी, जेड वन टू जेड टू वन की वैल्यू बराबर है, जेड टू वन और जेड वन टू की वैल्यू बराबर है काहे के, जेड बी के। तो ये हो जाएगी जेड बी के, और जेड टू टू हो जाएगा जेड ए प्लस जेड सी। तो इसको बस आपको ये सर्किट याद रखना है कि अगर ये ऐसे एक टी नेटवर्क आ जाए आपके पास, सिंपल सा ये एक नंबर में क्वेश्चन आ भी सकते हैं, टी नेटवर्क आ गया आपके पास और सिंपल इन्होंने बोला कि इनमें आपको जेड पैरामीटर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको सिंपली बस ये याद रखना है कि जेड वन वन आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस ये जेड ए प्लस जेड बी हो जाएगा, और जेड टू टू क्या हो जाएगा, इस साइड से जेड बी प्लस जेड सी हो जाएगा, और जेड वन टू जेड टू वन क्या हो जाएगा, जो कॉमन ब्रांच है इसमें जेड बी। ठीक है, जेड पैरामीटर ये केवल टी नेटवर्क के लिए है। ठीक है, तो आप इनसे सीधे सीधे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, ये केवल टी पैरामीटर के लिए, टी पैरामीटर के लिए। ठीक है, और अब पाई नेटवर्क अगर गिवन है आपको, इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन एक नंबर में हमेशा पूछते हो, इजी करके इसमें टाइम ज्यादा लगता नहीं है, कॉन्सेप्ट से आप सीधे देख के आंसर टिक कर सकते हैं। ये पाई नेटवर्क गिवन है आपको, और इसमें बोला कि वाई पैरामीटर की वैल्यू फाइंड करो। अब वाई पैरामीटर की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, तो आपको वाई की इक्वेशन से याद होनी चाहिए। वाई की इक्वेशन क्या होती है, आई वन एंड आई टू का रिलेशन होता है इन टर्म ऑफ वी वन एंड वी टू। तो आई वन का वाई वन वन वी वन प्लस वाई वन टू वी टू। तो इसमें केसीएल लगाया है इस इक्वेशन पर, इस नोट पे अपने केसीएल लगाया, तो आई वन इनकमिंग करंट वी वन इंटू वाई ए प्लस वी वन माइनस वी टू इंटू वाई बी, वी वन माइनस वी टू इंटू वाई बी। तो ये आपने इसको सॉल्व किया, तो वाई ए प्लस वाई बी इंटू वी वन हो जाएगा माइनस वाई बी इंटू वी टू। अब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराया, तो वाई वन वन आया ये, तो वाई वन टू आया ये। सेम ये आउटपुट वाले नोट पे अपने लगाया, तो वाई टू टू की वैल्यू और वाई टू वन की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट कर ली। तो बस इससे आपको ये याद रखना है कि ऐसा कोई अगर नेटवर्क आए तो इसमें इसमें क्या होगा, आपका वाई वन वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई ए प्लस वाई बी। ठीक है, और वाई टू टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई बी प्लस वाई सी। वाई वन टू और वाई टू वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस वाई बी, माइनस वाई बी। तो ये आपको इसके कुछ रिजल्ट आप याद रख सकते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, y12 और y21 की वैल्यू बराबर होगी, लेकिन ये याद रखना कि माइनस होगी, माइनस वाई बी, जो पैरामीटर कॉमन है वो हो जाएगा y12 और y21 की वैल्यू लेकिन माइनस में। ये केवल कब अप्लाई होगा, y पैरामीटर में, जब पाई नेटवर्क हो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आप याद रख सकते हैं, इनसे आपका टाइम सेव हो जाएगा। अब इसमें और देखते हैं अपन, जैसे ये कोई नेटवर्क अपन को गिवन है, एक लेटेस्ट नेटवर्क गिवन है जेड ए जेड डी जेड बी जेड सी। ठीक है, तो सिमेट्रिकल की कंडीशन बताई, जब जेड इक्वल्स टू जेड डी होगा तो जेड बी इक्वल्स टू जेड सी होगा। ठीक है, अगर ये आपको सिंपल सिंपल एक लेटेस्ट नेटवर्क गिवन है, और इस नेटवर्क में आपसे बोला जाए फाइंड करने के लिए कि पैरामीटर्स की वैल्यू आप फाइंड कीजिए, तो इसमें आपको सॉल्व नहीं करना है, इसके सिंपल रिजल्ट्स आप याद रख सकते हैं, आपका टाइम पूरा सेव होगा। जेड वन वन और जेड टू वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड बी ए प्लस जेड ए बाई टू, जेड वन वन और जेड टू टू की वैल्यू, और जेड वन टू और जेड टू वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड बी माइनस जेड ए डिवाइड बाई टू। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, और
वाई पैरामीटर की अगर इसमें बात करें तो वाई ए, वाई डी, वाई बी और वाई सी। तो सिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क में वाई ए इक्वल्स टू वाई डी, ये तो कंडीशन होती है। और वाई वन वन और वाई टू टू क्या हो जाएगा इसमें, वाई बी प्लस वाई ए डिवाइड बाई टू, और वाई वन टू और वाई टू वन क्या हो जाएगा, वाई बी माइनस वाई ए डिवाइड बाई टू बी और ए। तो ये आप सिंपल रिजल्ट याद रख सकते हैं इनके।